लगातार मंदी की मार से इस दौर में मेरठ को पहचान दिलाने वाले कैंची उद्योग के कारोबारी और कारीगर आज बर्बादी के कगार पर हैं। दरअसल कारोबारियों का कहना है कि यदि शीघ्र ही सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह उद्योग खत्म हो जाएगा। इस उद्योग से जुड़े कारोबारी और कारीगर सड़क पर आ जाएंगे। हम 7 पीढ़ी से हमारा ये काम चला रहा है और काफ़ी वक्त से हम काम कर रहे हैं। जो हमारे कैंची उद्योग के अंदर जो मेरी उम्र आज 40 साल के लगभग है, जो मैं बचपन से देखता था कैंची उद्योग में बड़ी भार थी। सब दुकानदार बाहर से हर देश का आदमी यहीं आता था, हर शहर का जिले का कैंची देखने के लिए भी, कैंची के ऑर्डर देने के लिए, जब माल यहाँ से सारा सप्लाई होता था। आज वक्त ऐसा आ गया है कोई व्यापारी नहीं आते यहाँ। अब जितने भी दुकानदार लोग हैं सबको वहीं जाना पड़ता है, ऑर्डर लाते हैं फिर अपना माल बेचते हैं। आज बहुत बेरोजगारी का हिसाब है और आज कोई तरक्की नहीं है इस कैंची उद्योग के अंदर। जो सरकार की तरफ से कोई मदद कैंची मजदूरों के लिए आती है, उन मजदूरों के पास पैसा नहीं पहुँच पाता। आज के टाइम के अंदर जो जितने लोग हैं अधिकारी, वो ज़्यादातर गलत आदमियों का साथ देते हैं, सही आदमी की बात समस्या सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। हमारी ख्वाहिश यह है उनकी समस्या सुनी जावे। जो लॉकडाउन के अंदर जितना नुकसान हमारे कैंची उद्योग को हुआ है, मजदूरों को बेरोजगारी फैली है, सरकार की तरफ से उनकी पूरी मदद होनी चाहिए। बहुत बढ़िया करके आज इसकी मदद करने से लोगों को भार होगी और सरकार को दुआएं मिलेंगी। ये मेरी ख्वाहिश है और ये तमन्ना है और दलालों के ऊपर कार्रवाई करने का कष्ट कर रहा है।